हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, एक एक शेयर की SIP स्टार्ट कर दो भाई इस शेयर में। क्योंकि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो और आप कंसिस्टेंटली पैसा कमाना चाहते हो, ज़्यादा नहीं 15% से 25% का हर साल के हिसाब से पैसा कमाना चाहते हो कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया शेयर है। एक एक शेयर की SIP स्टार्ट कर सकते हो, और जब भी इस शेयर में गिरावट आती है 10-15% की, तो भाई आप अपना एक की जगह उस टाइम पे दो शेयर उठा लीजिए, तो आपको ऐसा रिटर्न और ऐसा मौका, एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा, और 10,388 करोड़ का प्रॉफिट इसने Q2 के रिजल्ट में दिखाया है। मैं कहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है, मार्केट लीडर है, शेयर मार्केट में भी एक बहुत बड़ा नाम है। अब आप सोचोगे जब आप इस शेयर को खरीदोगे तो आपके पास कौन कौन से नाम आगे आएंगे, मतलब इस शेयर को तो आप खरीद रहे हो, इसके साथ साथ अपने आप ही आप ये मान के चलिए कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ भी। और आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए, आप अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का पैसा मिल रहा है, HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज का पैसा मिल रहा है आपको, यहाँ तक कि HDFC होल्डिंग, HDFC इन्वेस्टमेंट, HDFC ट्रस्टी, HDFC सेल्स, HDFC वेंचर, इन सब का पैसा आपको मिल रहा है, इन सब का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, HDFC बैंक का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, HDFC ग्रुप फाइनेंस। तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो HDFC के अंदर आती है, कोई सब्सिडरीज है, कोई एसोसिएट है, तो ये सब जो है HDFC की कंपनीज है। तो मैं बात कर रहा हूँ जिस स्टॉक की, उसका नाम है HDFC। HDFC का Q2 का रिजल्ट आया है, ये देखिए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HDFC 3,80,000 करोड़ के पास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2100-2200 पे ट्रेड कर रहा है। अगर करंट सिचुएशन में आप देखोगे तो सारे बड़े बड़े शेयर, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो आपका L&T हो, कोई भी शेयर सारे टॉप पे चले हुए, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, एशियन पेंट्स हो, सब टॉप पे चल रहे हैं। लेकिन ये शेयर अभी गिरावट से थोड़ा थोड़ा रिवाइव हुआ है, और बहुत बढ़िया मौका था जब मैंने लास्ट टाइम पे भी इसका वीडियो बनाया था, तो ये 1950-2000 की रेंज में आ गया था, जो कि बहुत अच्छी रेंज थी अगर किसी ने उस रेंज में जो वैल्यू को पहचानता होगा। क्योंकि जब भी मैं कहता हूँ कि इस स्टॉक में अगर 10% की गिरावट आ रही है, तो वो आपके लिए एंट्री का मौका है। जहाँ पे आपका SIP एक शेयर आप मंथली बेसिस पर खरीद रहे हो, तो वहाँ पे उस टाइम पे दो शेयर खरीदने का मौका है, क्योंकि वो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरीके से इस शेयर के देखिए सेल्स ग्रोथ 21%, प्रॉफिट ग्रोथ 16-17%, और रिटर्न के लिए मैं फिर से कहूँगा कि रिटर्न के लिए आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। कितना एक्सपेक्टेशन? ओनली 15-25% पर ईयर। अब आप सोचिए आपको फिक्स डिपॉजिट में कितना मिलता है, 7-7.5%, और यहाँ पर डबल, उससे भी डबल मिल रहा है, और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी। अब ये रिजल्ट आया, देखिए ये रिजल्ट कल ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे के आसपास से रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट का थोड़ा सा असर मार्केट पे देखने को मिला, और उसका इतना पॉजिटिव असर देखने को मिला, पहले रिजल्ट देख लीजिए फिर मैं आगे बात करता हूँ। देखिए रिजल्ट आज की डेट जो है 5 नवंबर है, आज इसका और हलचल देखने को मिलेगी, गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। रिजल्ट में मैं ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, कंसोलिडेटेड में सारा इसका पूरा ओवरऑल प्रॉफिट आ जाता है, स्टैंड अलोन का नहीं है ये। अब स्टार्ट करते हैं रिवेन्यू से। देखिए रिवेन्यू के, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ रिवेन्यू जो फ्रॉम ऑपरेशंस, देखिए 12, ये सारी फिगर पहले 6 करोड़ में है, तो 12,643 करोड़ यानी कि 12,643 करोड़ इस क्वार्टर यानी कि सितंबर क्वार्टर का नंबर इसने दिखाया, बहुत ही बढ़िया। ये इंटरेस्ट इनकम है, और पूरा रिवेन्यू की अगर हम ओवरऑल बात करेंगे भी सारा जोड़ के, फिलहाल जो इंटरेस्ट इनकम है वो 11,504 करोड़ से बढ़ के कितनी हो गई है, 12,643 करोड़, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मोर देन 1,000 करोड़ का जंप है पिछले साल के कंपैरिजन में, बहुत ही बढ़िया। अब ये तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा नीचे आइए और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखिए, जो कि टोटल इनकम का, टोटल इनकम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोटल इनकम को हम देखते हैं और समझते हैं। देखिए टोटल इनकम को अगर मैं बात करूँ तो 32,850 करोड़, इतनी बड़ी टोटल इनकम भाई कैसे कहाँ से ये हुई है, और साथ के साथ यहाँ पे जो लास्ट ईयर कितनी थी, मात्र 23,000 करोड़ के आसपास थी, और इस बार 33,000 करोड़ के आसपास, मतलब 10,000 करोड़ टोटल इनकम में जंप। अरे वाह भाई, लेकिन भाई ये ऐसे ही जंप नहीं हुआ, ये रेगुलर जंप नहीं है, इसने ग्रुप फाइनेंस को बेचा था, उसका भी इसको गेन मिला है, वो भी जंप है, याद रखें इस बात को,
बंधन बैंक ने खरीदा था ग्रो फाइनेंस को, तो इसको शेयर स्वैप किया, जो भी इसको पैसा वगैरह एंड मुला जो उसका फायदा भी इसके अंदर है, जो वन टाइम टैक्स गेन है वो भी है इसके अंदर। इसीलिए आपको ये 10,000 करोड़ का जंप दिख रहा है ओवरऑल। चलिए ठीक है, प्रॉफिट देखते हैं कितना हुआ। अब इस प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो टैक्स गेन भी हुआ है नो डाउट। अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 12,000 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर मात्र 7,300 करोड़ था। 7,300 करोड़ से इस बार कितना है, 12,000 करोड़ का। इसमें वन टाइम टैक्स ग्रुप फाइनेंस की डील का गेन भी है। अब टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट एट्रिब्यूटेड ये देखिए 10,388 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, जो कि लास्ट ईयर मात्र 5,759 करोड़ का था। बहुत ही बढ़िया। अर्निंग पर शेयर जो 34 की थी इस बार कितनी होगी, 60। तो इतना बढ़िया प्रॉफिट देख के क्या शेयर में जंप नहीं आएगा, क्या इन्वेस्टर खुश नहीं होंगे, या जो खरीदने वाले हैं वो खरीदार एक्टिव नहीं होंगे? डेफिनेटली एक्टिव होंगे, क्यों नहीं होंगे। ये देखिए आप कैसे एक्टिव हुए ये शेयर होल्डर। ये देखिए जैसे ही रिजल्ट आया, जैसे मैंने आपको बताया कि 2:30 बजे के आसपास रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही भाई ऐसा उछाल देखने को मिला, शेयर जो 2136 2130 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो सीधे ऊपर उड़ा, और थोड़ा कंसोलिडेशन देखा क्या। और मुझे लगता है कि अगर मार्केट इसको सपोर्ट करे यहाँ से, तो ये शेयर एक बड़ी रैली की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी भी ये अपने हाई पीक से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसमें ये मान के चलिए खाली पीक तक पहुँचने के लिए भी आपके पास ऑलमोस्ट 200 रुपये का प्रॉफिट बचा हुआ है, और उस पीक के बाद तो रैली आनी है। तो इसीलिए ये स्टॉक में ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2,000 रुपये के आसपास का एक शेयर है, तो हर कोई रिटेल इन्वेस्टर को अपनी किटी में इसको ऐड कर लेना चाहिए, कि जब भी इस तरीके के मौके आते हैं। अभी मैं देखो आपको डिटेल में इसको टेक्निकली बताता हूँ, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, और कब कब इसमें मौके आते हैं वो भी देखिए। देखिए ये शेयर जैसे कि आया था ऑलमोस्ट इसने अपने चैनल के हाई को, जो कि 2,360 के आस लेवल पे गया था, उसके बाद इसमें करेक्शन आई। तो करेक्शन आने के बाद जब ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास आता है, जैसे इसने लो बनाया था यहाँ पे 1954 के आसपास का, तो ये सब आपके लिए एंट्री के मौके हैं। देखिए वैल्यू इन्वेस्टर ने डेफिनेटली यहाँ पे खरीदा होगा, एक लोअर ये देखिए चैनल बन रहा था उसको इस बार पार कर दिया। अब यहाँ पे अभी भी मैं कहूँगा कि कितना टारगेट, अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो देखिए एक बड़ा टारगेट आपके सामने है। ये इसका पीक ये मान के चलिए इस लेवल पे ऑलमोस्ट 2,350 का लेवल भी मान के चलिए, तो अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 200-225 रुपये की कमाई इस शेयर में बची हुई है। और रिजल्ट के इतना बढ़िया रिजल्ट आने के बाद मुझे लगता है कि आराम से ये इस लेवल पर जाएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एस आई पी की बात कर रहे हैं, तो खरीदारी का मौका, ये ऐसा शेयर है जब पीक पे रहे तो थोड़ा सा भी करेक्शन कभी भी आए तो एक एक शेयर का मौका आपके लिए खरीदारी का है, रखते रहो संभालते रहो, ऐसा शेयर है। अब आप खुद देख लीजिए। अब हम इस शेयर में गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस की बात करते हैं। गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस इस ऐसे बड़े शेयर में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। जैसे आप खुद देखिए डेथ क्रॉस बना वापस गोल्डन क्रॉस में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब इसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती, इसमें ये देखी जाती है भाई ये अपने पीक से थोड़ा बहुत करेक्ट हो गया, खरीद लो। जैसे 2,000 रुपये से गिर के ये आया था 1,650 रुपये, कितने रुपये नीचे आ गया था, ऑलमोस्ट 20% भी नहीं था, 15% से ऊपर था। देखिए 15% आ गया तो खरीदते रहो, 20% आ गया तो और बढ़िया। इस शेयर में यही एक लेवल है, ये इतने बढ़िया शेयर है, इतने क्वालिटी के शेयर है कि लोग इसमें 15% तक की गिरावट भी आती है तो बड़ा माल उठाने लग जाते हैं, मतलब खरीद के रखने लग जाते हैं। ये वैसा शेयर है, ऐसे ही देखिए कई बार मौके आया। लास्ट टाइम पे ये 2016 के टाइम पे एक मौका आया था, फिर अभी 2018 वाले टाइम पे मौका आया था, अभी एक मौका बढ़िया आया है 2019 के टाइम पे भी मौका आया है। ये देखिए मतलब ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो लोग इनको भुनाते हैं और जमा करते हैं। इसको पेशेंस वाले शेयर हैं नो डाउट, आपको बढ़िया रिटर्न देता है। ओवरऑल अगर इसका रिटर्न देखाऊं मैं आपको, तो क्लियरली देखिए प्रॉफिट किस तरीके से इसने कितना बढ़िया दिया। CAGR मतलब पिछले 10 साल में, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 15 से 25% वाले रेंज है, तो पिछले 10 साल में कंसिस्टेंट 15% इसने आपको रिटर्न दिया, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, और पिछले 1 साल में 20% का रिटर्न दिया। तो इस स्टॉक से आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। अब आप देखिए प्रॉफिट देखिए, लगातार प्रॉफिट कमा रहा है। जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो डेफिनेटली आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट ही देगी, तो यही तो रीज़न है। इसीलिए तो लोग आप इस शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको पैसा मिले प्रॉफिट मिले, इसलिए लगा रहे हो। तो भाई कंपनी को प्रॉफिट कमाना चाहिए, और ये कमा रही है। देखिए इस बार इस क्वार्टर में कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 2128 के आसपास ओपन हुआ था, 4 नवंबर को की बात है, और 2140 के आसपास ओपन हुआ था, हाई 2195 का बनाया था। और अभी भी देखिए आज मुझे लगता है कि थोड़ा अगर मार्केट यहाँ पे सही रहती है तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। अगर मार्केट करेक्ट होती है तो आपके लिए मौका है शेयर में, क्योंकि रिजल्ट के बाद मामूली सा उछाल आया भी, और बड़ा उछाल आने को रेडी है।
तो इसलिए अगर करेक्ट होता है और आपको ये 2150 या 2100 की रेंज में मिलता है तो आपके लिए तो विन विन अपॉर्चुनिटी होगी वो। चलिए ये हमने बात करी यहाँ पे HDFC की, HDFC बढ़िया प्रॉफिट दिया है यहाँ पे, इसके अंदर सारे स्टॉक्स आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आप HDFC खरीद रहे हो इसका मतलब बाई डिफॉल्ट आप HDFC बैंक भी खरीद रहे हो, HDFC AMC भी खरीद रहे हो, क्योंकि इसी की कंपनीज है वो, इसका ही प्रोमोटर होल्डिंग इसमें अच्छा खासा है, तो इसको प्रॉफिट का शेयर मिलता है, तो डेफिनेटली आपका भी हिस्सा उधर भी है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं कहूँगा जबरदस्त Q2 का प्रॉफिट दिया है और शेयर की SIP बनती है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ी मेहनत हम करते हैं, थोड़ी मेहनत आप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।